राहुल गांधी की ही ताकत है कि सत्ताधारियों को जनता के बीच आने के लिए मजबूर कर दिया। ये अलग बात है कि बताने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से मेट्रो में बैठकर संवाद कर रहे थे, आम जनमानस की समस्याओं को सुन रहे थे, ऐसा सिर्फ तस्वीरों में दिखाई दिया और टीवी में सुनाई दिया। आम यात्री हैं वो बेहद उत्साहित हुए और जबकि असली सच ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठी लड़की बीजेपी यूथ विंग से जुड़ी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष है, लेकिन जनता के बीच नैरेटिव बनाने के लिए प्रचारित किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी आम लोगों से घिरे हुए हैं। मेट्रो में सवार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद लोगों से देखिए कितने आम इंसान की तरह बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द दिखने वाले ज्यादातर लोग बीजेपी कार्यकर्ता थे? क्या मेट्रो में बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को भरा गया था? अगर ऐसा नहीं था तो फिर मेट्रो के अंदर बैठे लोगों को कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही मेट्रो स्टेशन के अंदर आती है, उससे पहले लोग मेट्रो की खिड़की से बाहर झांकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनको पता था कि प्रधानमंत्री मोदी अगले स्टेशन पर चढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि जो शॉर्ट्स में या विजुअल्स में आप देख पाएंगे कि यू नो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया जा रहा और आम यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। लोग आराम से आ जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास तक कभी एक्सेस कई सारे जो आम जन है लोग हैं उनको मिल पा रहा है। सोचिए अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सातवें आसमान पर है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को अगल बगल बिठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सब राहुल गांधी के लोगों के बीच जाने और जनता से मिलते जन समर्थन की काट खोजने की कोशिश है? क्योंकि राहुल गांधी को लगातार जन समर्थन मिल रहा है, वो अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिल रहे हैं। फिलहाल मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है, वहां के लोगों से मुलाकात की है, उनके दर्द को समेटने की कोशिश की है, जबकि दिल्ली में परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से मुलाकात कर चुके हैं, उनसे रोजगार पर बात कर चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में बाइक मैकेनिक्स के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर चुके हैं, देश के ट्रक ड्राइवर्स के साथ चर्चा कर चुके हैं। तो क्या राहुल को मिलते जन समर्थन से बीजेपी डर गई है? क्या बीजेपी की घटती लोकप्रियता को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के पीछे छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या 2024 में बीजेपी जन समर्थन जुटाने में नाकाम होने वाली है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी कार्यकर्ताओं को बगल में बिठाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? ऐसे में जनता की समस्याओं से कैसे रूबरू होंगे जबकि राहुल गांधी जनता के मुद्दों को सरकार के सामने उठाने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब छात्रों के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी में चर्चा कर रहे थे तब भी मुद्दों के बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर ज्ञान दे रहे थे। मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहाँ पहुंचा हूँ। वैसे बीजेपी समझ चुकी है कि जनता का मोह भंग हो रहा है। जो समर्थन राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला, वो प्यार और सम्मान बीजेपी को नहीं मिल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता ने जमीनी हकीकत बदलने में मदद की है, जनता के बीच पकड़ को मजबूत किया है। राहुल का जनता के बीच जाना, उनसे संवाद करना, लोगों के मुद्दों पर चर्चा करना, उनके कामकाज में आने वाली मुश्किलों को समझने की कोशिश करना और उनके समाधान का भरोसा दिलाना राहुल गांधी की पहचान बनता जा रहा है। यही प्रधानमंत्री मोदी की छवि को दागदार बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज़।